हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एकेडमी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए हैव और हैव गॉट का यूज किस तरह करना चाहिए, बेसिक रूल्स आप लोगों को मैं एक्सरसाइज के साथ दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आप ये मत सोचे कि ये क्या है वापस मैन सब वॉप का ये सब। दोस्तों, ये जब छोटे छोटे चीजें आप लोगों को नहीं आएगा सो ग्रामर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। सो अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ यूज करती। अभी हैव Have में मेरी यू हैव अ हाउस, यू हैव अ हाउस। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया यू हैव अ हाउस, बट हैव गॉट लिखना है और तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन से सेंटेंस? यू हैव गॉट अ हाउस, यू हैव गॉट अ हाउस। इसमें देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है थोड़ी बहुत। यू हैव अ हाउस यानी क्या तेरे पास हाउस है, यू हैव अ हाउस क्या, और यू हैव गॉट अ हाउस, न्यू हाउस मीन्स क्या तुम्हारे पास, तुमको दिया गया है नया घर। ओके, पेरेंट्स हमें घर देते तो हम बोलते हैं हाँ यू हैव गॉट अ न्यू हाउस। सो ये है एग्जाम्पल यू हैव। अब जब नॉट यूज करना हो, नेगेटिव पे जाना हो तो हम किस तरह करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। यू हैवेंट न्यू हाउस, और जब ये गॉट पे यूज करना हो यू हैवेंट गॉट अ न्यू हाउस। सी दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये लिखा है हैव, पॉजिटिव पे मैंने सेंटेंस दिया है। ओके, पॉजिटिव पे सेंटेंस दिया है और यहाँ पे मैंने नेगेटिव पे सेंटेंस दिया है। दोस्तों देखो, अब यू हैव अ हाउस, You have got a house. तेरे पास घर है और तुझे तुझे घर नया दिलवाया है। You haven't a new house. तेरे पास घर नहीं है और तुझे किसी ने घर नहीं दिया है। So ये टाइम में अभी मेरे को इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में have you a new house? Thought. Have you a new house? ओके, इसमें क्वेश्चन मार्क देते क्योंकि इंटरोगेटिव है। अगर मुझे गॉड भी यूज करना हो तो गॉड कहाँ यूज करेंगे ये देखते हैं। हैव यू गॉट अ न्यू हाउस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, ये क्या है, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है। ओके दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे हैव तो लिख दिया है, हैव के बाद तुरंत ही गॉट हो गया पॉजिटिव पे, हैवेंट है तो यहाँ पे ये हैवन के बाद तुरंत ही गॉट लिख दिया। बट देखो जब इंटरोगेटिव पे है तो हैव के बाद सब्जेक्ट यूज किया, फिर गॉट को यूज किया। ओके, अब ये चीज मैंने इंटरोगेटिव पे लिया है, पॉजिटिव इंटरोगेटिव था, अब मुझे नेगेटिव इंटरोगेटिव पे लेना है तो मैं कैसे लिखूंगी, हैवेंट यू गॉट अ न्यू हाउस। ओके, ये सेंटेंस डाल दिया। अगर मुझे इसका इसमें जाना है गॉट यू, ओके ये सेंटेंस मैंने गॉट पे यूज किया। अगर मुझे ये गॉट बिना हैव का यूज करना हो तो मैं क्या करूंगी, हैवेंट यू अ न्यू हाउस, हैवेंट यू अ न्यू हाउस। ओके, कितना इजी सेंटेंस से आप लोगों को मैंने ये सिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चार टाइप में मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब थोड़े एग्जाम्पल के साथ, पांच छह एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती कि हैव कहाँ यूज होता है, गॉट कहाँ पे यूज होगा और हैव गॉट कैसे यूज करते हैं जबकि सेंटेंस में सिर्फ हैव होता है, वो किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़े एग्जाम्पल के साथ दूंगी ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। सो दोस्तों, मैं इतना सारा रूल्स छोटे छोटे लेके आ रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ है ना, हम अभी डिटेल्स में सभी चैप्टर्स के अनुसार पढ़ लेते हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है कब मैं हैव यूज करूँ, कब मैं हैव गॉट यूज करूँ, या ऐसे छोटे छोटे रूल्स ही हमें आगे ग्रामर के लेके आते हैं। सो मैं आप लोगों को ये एक सिखाने वाली अभी कुछ एग्जांपल के साथ। अभी रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग हैव गॉट इंस्टेड ऑफ सिंपल हैव। हम सिंपल वर्ब जो हैव यूज करते हैं ना उसके जगह हमें हैव गॉट लिखना है।
सो उसकी एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला आई हैव सम एग्स एट होम. ओके अब मैं सेकेंड सेंटेंस हैव यू अ डॉग. थर्ड सेंटेंस हैव यू नहीं अब हैव का तो बहुत सारा सेंटेंस हो गया. He has some lovely flowers in his garden. Okay, fourth वाले एक sentence में opposite के ले रहे थे negative में. He haven't anything to eat. देखो दोस्तों मैंने अभी चार सेंटेंस दे दिया है. इसमें हमें सिंपल हैव दिया है. देखो सभी में सिंपल हैव दिया है. सिंपल हैव ओके. अभी मुझे यहाँ पे सिंपल हैव की जगह मेरे को ये हैव गॉट यूज करना है. आई हैव सम एग्स एट होम. सो यहाँ लिखेंगे क्या आई हैव गॉट सम एग्स एट होम. तो यहाँ सेंटेंस लिखेंगे आई हैव गॉट सम एग्स एट होम. ओके अब यहाँ हैव और गॉट भी यूज कर दिया है. अब हैव यू अ डॉग. सो यहाँ मैंने बोल दिया ना पहले जब क्वेश्चन अराइज होता है इंटरगेटिव पे हैव से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम गॉट लिखेंगे. सो यहाँ क्या लिखेंगे हैव यू गॉट अ डॉग क्वेश्चन मार्क. ओके है और गॉट यूज कर दिया है यहाँ पे. अभी ही है सम लवली फ्लावर्स इन हिज गार्डन. सो यहाँ पे हम हैज तो लिखा है तो हैज की जगह हैव करेंगे. नो दोस्तों हैज ही रहेंगे. ही हैज गॉट सम लवली फ्लावर्स इन द गार्डन इन हिज गार्डन. ओके ये एक सेंटेंस कर दिया है. अगर मुझे ये लिखना है अभी ऑपोजिट पे दिया है नेगेटिव पे दिया है वी हैवंट एनीथिंग टू ईट. सो इसका क्या लिखेंगे वी हैवंट गॉट एनीथिंग टू ईट. देखो दोस्तों शायद आप लोगों को ये वीडियोस के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरह करना है. और मैं चार या पांच एग्जांपल आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ घर पे ताकि आप लोग ये कोशिश कीजिएगा. और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में मुझे सेंड कीजिएगा कि मैम डाउट है तो क्वेरीज में आप लोगों को वापस समझाऊंगी. दोस्तों एक टाइम नहीं 10 टाइम नहीं 50 टाइम भी नहीं 100 टाइम भी आप लोग क्वेरीज पूछोगे तो मैं है आप लोगों के लिए आपका डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी. ओके दोस्तों सो अभी मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रही हूँ कई सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस है दे योर एड्रेस. यहाँ पे आपको यूज हैव गॉट करना है. ओके ये है एंडिंग. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम Now, third, how many children has she? And fourth one, what have you to show me? Okay, ये चार sentences मैं आप लोगों को homework में दे रही हूँ. शायद आप लोगों के ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा. सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू अदर पीपल आल्सो सो दैट दे कैन लर्न दिस शॉर्ट रूल. सो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को अगला वीडियो लेके आऊंगी हैव विथ और विदाउट डू के साथ किस तरह कॉन्जुगेट करना है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे सिखाऊंगी. सो फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ नाइस डे.